हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा मार्केटिंग चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो है और ये हमारा लास्ट वीडियो भी है, ठीक है। चैप्टर 2 इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हमारा मार्केटिंग है, ये हमारा सेलिंग है। इट इंक्लूड्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, बस गुड्स एंड सर्विसेज का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। इट इज़ अ न्यू अप्रोच, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एंड इट इज़ अ क्लासिकल वर्ड, मतलब ये एक ओल्ड अप्रोच है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंज्यूमर डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, एक तरीके से कंज्यूमर डिसाइड करता है, ठीक है। कॉस्ट डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, उस प्रोडक्ट में कितनी लागत लगी है वो डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट का दाम क्या रहेगा। कंज्यूमर इज़ द कोर ऑफ द बिजनेस। इसमें माना जाता है कि कंज्यूमर क्या होता है, बिजनेस का मेन पॉइंट होता है। बिना कंज्यूमर के हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। कंज्यूमर इज़ द लास्ट लिंक ऑफ द बिजनेस। लास्ट की स्पेलिंग कर लेते हैं फ्रेंड, सही कर लीजिएगा। इसमें माना जाता है कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो बिजनेस के लास्ट लिंक होते हैं। मतलब क्या होता है, जो आखिरी, मतलब सबसे आखिरी में सामान कंज्यूमर के पास पहुँचता है, इसलिए इसको लास्ट लिंक माना गया है। इन दिस प्लानिंग इज़ लॉन्ग टर्म। इसमें क्या होता है, प्लानिंग के लिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। इन दिस प्लानिंग इज़ शॉर्ट टर्म। इसमें प्लानिंग हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं। इट इज़ प्रॉफिट कम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही हमारा मेन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ठीक है। इसमें हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही देखते हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हमारा है या नहीं है। और ये सेल्स ओरिएंटेड होता है, मतलब इसमें हमारी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, हम ये देखते हैं। इट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड, वही चीज़ है सेम। इट इज़ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इसको हम लोग मानते हैं कि इसमें सिर्फ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ही एक होता है। इट इज़ अ पुल अप्रोच। ये क्या होता है, पुल अप्रोच होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये हम मार्केट में क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ अ पुश अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट लोगों को बेचते हैं, ठीक है, लोगों को अपने प्रोडक्ट देते हैं। इट एम्फसिस अपॉन कंज्यूमर नीड्स। ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, कंज्यूमर की नीड्स पे, उनकी वांट्स पे, ठीक है। इट एम्फसिस अपॉन प्रोडक्ट, ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे बेस होता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और कैसा कंज्यूमर को चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको नोट्स के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।